हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ लखनऊ में घटी दो बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना। पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज से लगभग 35 साल पहले लखनऊ के पक्के पुल पर घटी थी। पक्का पुल, जिसे लाल पुल भी कहा जाता है, ये बहुत ही पुराना पुल है और अगर आप चाहें तो इसके बारे में इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं। दरअसल आज से लगभग 35 साल पहले लखनऊ के पक्के पुल पर और उस पुल के आसपास बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। बहुत से लोगों का मानना था कि उस पुल पर किसी प्रेत का साया है जो देर रात पुल से गुजरने वाले लोगों को डराता है। 35 साल पहले की ही बात है, एक बार एक आदमी रात के 1 बजे पक्के पुल से गुजर रहा था, तभी उसे वहां उस पुल पर एक घोड़ा गाड़ी यानी कि तांगा दिखाई दिया। उस आदमी ने उस तांगे वाले से कहा कि मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, क्या तुम छोड़ दोगे? तो उस तांगे वाले ने उस आदमी को तांगे पर बैठने का इशारा किया। वो आदमी तांगे पर बैठ गया और तांगा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सर्दी का समय था और उस तांगे वाले ने एक बड़ा सा कंबल ओढ़ रखा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उस आदमी ने तांगे वाले से कहा कि क्या तुम बीड़ी पियोगे, क्योंकि मैं बीड़ी पीने जा रहा हूँ। उस आदमी की इस बात का उस तांगे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी ने दोबारा तांगे वाले से कहा कि क्या तुम्हें बीड़ी पीनी है? इस बार भी तांगे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस आदमी ने एक बीड़ी अपने मुंह में लगाई और उसे जलाने के लिए वो अपनी जेब में माचिस ढूंढने लगा। उस आदमी के पास माचिस नहीं थी तो उसने तांगे वाले से कहा कि क्या तुम्हारे पास माचिस है? तांगे वाले ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तब वो आदमी सोचने लगा कि ये तांगे वाला तो काफ़ी अजीब है, मेरी किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। फिर तभी उस आदमी की नज़र उस तांगे वाले के हाथों पर गई। उसने देखा कि तांगे वाले के हाथ घोड़े के पैरों जैसे हैं। ये नज़ारा देखते ही वो आदमी बिल्कुल दहल गया, फिर वो चलते तांगे से ही कूद गया। वो पागलों की तरह भागते हुए उस तांगे से दूर जाने लगा। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक आदमी मूँगफली बेचता हुआ दिखाई दिया। वो भागते हुए उसके पास गया और उस आदमी ने उस मूँगफली वाले से कहा कि ए भाई, उस तांगे वाले के हाथ। तब तक वो मूंगफली वाला बोला कि क्या ऐसे हैं? इतना कहने के साथ ही उस मूंगफली वाले ने अपने भी हाथ दिखा दिए जो कि बिल्कुल घोड़े के पैरों जैसे थे। ये देखकर वो आदमी खौफ के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उस आदमी को होश आया तब उसने बीती रात की सारी कहानी लोगों को बताई, जिसे सुनकर सब दंग रह गए कि आखिर ये आदमी जिंदा कैसे बच गया। दूसरी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आज से लगभग 9 या 10 साल पहले लखनऊ में ही घटी थी। ये घटना मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, सहारा न्यूज़पेपर में। खैर, स्टोरी पर आते हैं। एक बार की बात है जब एक शादीशुदा औरत जो कि अपने पति के साथ लखनऊ में ही रहती थी, किसी काम से लखनऊ के बाहर गई हुई थी। कुछ दिनों के बाद जब वो औरत ट्रेन से लखनऊ वापस आ रही थी, तब उसने वापस आते हुए रास्ते में ही अपने पति को फ़ोन करके कहा कि मेरी ट्रेन रात के 1:30 बजे तक चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी, तुम मुझे लेने के लिए रात के 1:30 बजे तक चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। उस औरत का पति रात के 1 बजे ही अपनी पत्नी को लेने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन पहुँच गया। फिर रात के 1:45 बजे ट्रेन स्टेशन पर आ गई। फिर वह औरत बाइक से अपने पति के साथ अपने घर जा रही थी। तभी चारबाग स्टेशन से थोड़ा दूर जाते ही उस औरत को सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी जो कि सर तक साल ओढ़कर खड़ी थी। उस लड़की को देखकर उस औरत ने अपने पति से कहा कि बाइक रोको। इस बात पर उसके पति ने कहा कि क्या हुआ? तब उस औरत ने कहा कि हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए क्योंकि इतनी रात में एक लड़की का इस तरह से अकेले रहना ठीक नहीं है, हमें उसे उसके घर तक पहुँचा देना चाहिए। तो उसके पति ने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, जाओ जाकर उस लड़की को बुला लाओ, फिर हम उसे उसके घर तक छोड़ देंगे। फिर वह औरत उस लड़की की तरफ बढ़ने लगी। उस औरत ने लड़की से कहा कि सुनो, तुम्हारा घर कहाँ पर है, हम तुम्हें वहाँ तक छोड़। इतना बोलने के बाद ही वह औरत चिल्लाते हुए अपने पति के पास भागकर वापस आ गई। उसके पति ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों गई? तो उस औरत ने कहा कि उस लड़की की आंखों की जगह बड़े बड़े काले गड्ढे हैं और तो और उस लड़की का चेहरा भी बहुत भयानक है। इस बात पर उसके पति ने कहा कि जल्दी से गाड़ी पर बैठो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी
बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों ये थी आज की लखनऊ में घटी दो बिल्कुल सच्ची भूतिया घटनाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।